ग्रामर नाउन्स. व्हाट आर नाउन्स? नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स. ओनली टू वर्ड्स में आंसर देना, नेमिंग वर्ड्स. किसका नेम है? पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. सबसे आसान काम है PPAT, याद रखना, ठीक है? पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. अब हमने करने टाइप ऑफ टॉपिक इज ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. सो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इन हाउ मेनी कैटेगरीज कैन बी डिवाइड द नाउन्स? टू. रॉन्ग. फोर कैटेगरीज. वन इज मैस्क्यूलिन. देखो कैसे स्पेलिंग याद करने, मैस्क्यूलाइन बट बोले में मैस्क्यूलिन. विच इज यूज फॉर मेल्स या बॉयज. फिर आ जाएगा फेमिनिन. फेमिनाइन विच इज यूज फॉर फीमेल्स या गर्ल्स या लेडीज. देन आ गया हमारे पास न्यूटर. NEUTER, न्यूटर. देन आ गया एंड द नेक्स्ट वी हैव हेयर इज कॉमन जेंडर. सो फोर टाइप्स हो गई, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूटर जेंडर एंड कॉमन जेंडर. मेल्स का तो पता ही चल जाएगा हमें, कहीं पे लिखा है बॉय, ब्रदर, हस्बैंड, एक्टर. एक्टर नहीं, एक्टर भी आ सकता है. यस, ऑथर. हाँ, ऑथर का ऑथरेस होती है गर्ल. तो जैसे प्रिंस, बॉय, प्रिंस, किंग, तो दीज ऑल इंडिकेट मेल्स इन द सोसाइटी. ब्रदर, फादर, कजन. अच्छा, अब यहाँ पे ना किंग्स के लिए बहुत सारे वर्ड यूज होते थे पहले. जैसे एक था ड्यूक, एक होता है एम्परर, एक होता है वर्ड काउंट. तो काउंट भी फॉर हाई डिग्निटरीज के लिए यूज होता था, फॉर हाई मतलब सॉर्ट ऑफ किंग्स के लिए. तो ये सारे मेल्स की कैटेगरी में वर्ड्स जाएंगे. या फिर फॉक्स भी मेल की कैटेगरी है, बिकॉज इसकी फीमेल होती है जो इस कैटेगरी में जाएगी, विक्सन. और ये जनरली डालते हैं पेपर में, फॉक्स इज मेल एंड विक्सन इज फीमेल. ऐसे ही अगर मैं डालूंगी बुल इज मेल एंड काउ इज फीमेल, ऐसे ही हॉर्स इज मेल एंड मेयर इज फीमेल, डॉग इज मेल, विच इज फीमेल. अब ऐसे एनिमल्स में, कई एनिमल्स में सीधा उनके नाम के आगे ही और शी लगता है. जैसे ही बेर, शी बेर, तो उसकी फीमेल हो जाएगी शी बेर. ही गोट, शी गोट, तो शी गोट. ये फीमेल वर्ड्स, फीमेल वर्ड्स जैसे प्रिंसेस, अब इनके ही सारे उल्टे. प्रिंसेस, काउंटेस, काउंटेस, डचेस, डचेस, क्वीन, एम्प्रेस, क्वीन, क्वीन, सिस्टर, मदर, मदर, वाइफ. ये सारे हो गए फीमेल कैटेगरी के वर्ड्स. फिर आगे न्यूटर कैटेगरी. न्यूटर कैटेगरी में आते हैं विच इज नीदर मेल. एक फर्स्ट कैटेगरी इज विच इज नीदर मेल नॉर फीमेल. ये बात बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि एक एग्जांपल है हमारा ट्रीज या प्लांट्स का. ट्रीज एंड प्लांट्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं, बट दे आर नीदर मेल नॉर फीमेल, इसलिए वो न्यूटर कैटेगरी में जाते हैं. दूसरी, सारी जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि टेबल, चेयर, बुक, फोन, एवरीथिंग, दे ऑल कम अंडर न्यूटर कैटेगरी. फिर आ गया कॉमन नाउन. कॉमन नाउन मतलब वो वाले वर्ड जिसमें वो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है. ठीक है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी. जैसे कि डॉक्टर, अब वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी. डेंटिस्ट, टीचर, और बताओ कोई वर्ड्स. लॉयर, इंजीनियर, इंजीनियर, वेरी गुड. तो ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं. ट्यूशन टीचर, तो वो टीचर ही हो गया. और क्या वर्ड्स हैं इसमें? आर्टिस्ट, सिंगर, डांसर. तो ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे? कॉमन. जो अब अच्छा, बेबी, अब वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी, चाइल्ड, हंटर. पर हंटर तो हंटरेस होती है, तो हंटर होना चाहिए मेल, हंटरेस होनी चाहिए फीमेल. पेरेंट कैन बी इधर मेल और फीमेल. पर्सन, एक पर्सन क्या होता है, या मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, राइट? तो ऐसे वर्ड्स हमारे जाएंगे कॉमन नाउन की कैटेगरी में. इनको बोलते हैं कॉमन जेंडर्स. जज, जजेस, यस. तो यहाँ पे कॉमन नाउन की जगह ना यहाँ लिखना है कॉमन जेंडर. तो ये है मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूटर जेंडर एंड कॉमन जेंडर. डन है जी? आई थिंक वी. अच्छा हाँ, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट था एक, सन. सन को कौन सी कैटेगरी में डालोगे जी, और मून को कौन सी कैटेगरी में डालोगे? सन, क्योंकि सन को एसोसिएट करा जाता है पावर से, स्ट्रेंथ से, तो सन को हम मैस्कुलिन कैटेगरी में डालते हैं. और मून को हमेशा एसोसिएट करा जाता है ब्यूटी से, उसको हम फेमिनिन कैटेगरी में डालते हैं. तो अगर आपको आएगा कि सन वर्ड क्या है, वो मैस्कुलिन जेंडर है एंड मून इज अ फेमिनिन जेंडर. उसके बाद अच्छा, अब हम वो डिस्कस करते हैं जो हमारी वर्कशीट है. नाउ लेट्स डिस्कस आवर वर्कशीट्स. तो पहले हम करेंगे जेंडर पे. मैस्कुलिन इज गिवन एंड वी हैव टू मेक फेमिनिन. चलो जी, होस्ट, होस्टेस, बोलते जाओ साथ साथ. लायन, लायनेस. ऑथर, ऑथरेस. पोएट, पोएटेस. स्टीवर्ड, स्टीवर्डेस. प्रिंस, प्रिंसेस. एक्टर, एक्ट्रेस. सो यू हैव टू चेक द स्पेलिंग्स. एक्टर होता है बट एक्टरेस होता है, तो एक्टरेस नहीं लिखना हमने. ACTRESS. देन गॉड, गॉडेस. इसमें इंपॉर्टेंट चीज, जी हमेशा गॉड का कैपिटल रहेगा एंड गॉडेस में डबल डी हो जाएगा. नीग्रो, नीग्रोएस. नीग्रेस, नॉट नीग्रोएस, ओ कट जाएगा. टाइगर, टाइगरेस. ड्यूक, डचेस. मास्टर, मास्टरेस. गलत, मिस्ट्रेस. बॉय, गर्ल. बुल, काउ. फादर, मदर.
मॉन्क नन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, ये सिक्स्थ में ही आया हमको. हस्बैंड वाइफ, अंकल आंटी, आंट नॉट आंटी, नेफ्यू नीस, फॉक्स विक्सन, सर मैडम, किंग क्वीन, फिशरमैन फिशरवुमन, देन स्टेप फादर स्टेप मदर, वॉशरमैन वॉशरवुमन, वॉशरवुमन, ही गोट शी गोट, ही बेयर शी बेयर, बुल काफ काऊ काफ. तो मतलब जो एक काऊ का जब बेबी होता है उसको काफ कहते हैं. अब वो जो बेबी हुआ है वो मेल है या फीमेल है वो उसको कैसे बुलाएंगे, बुल काफ या काऊ काफ. मिल्क मैन मिल्क वुमन, हॉर्स मेयर, वेटर वेटरेस, देन फादर इन लॉ मदर इन लॉ, डेयरी मैन डेयरी वुमन, पीकॉक प्रीस्ट प्रिंसेस, प्रिंस प्रिंसेस, हीरो डॉग बिच बिच, हस्बैंड वाइफ, नन मॉन्क, विडोअर विडो विडो, मतलब द पर्सन हु हैज लॉस्ट हिज वाइफ इज कॉल्ड विडोअर एंड द लेडी हुज हस्बैंड इज नो मोर इज कॉल्ड विडो. हंटर मेयर हॉर्स, डॉटर डॉटर, सन एम्परर एम्प्रेस, पी हैन पीकॉक पीकॉक, डचेस ड्यूक, आंट अंकल, सिस्टर ब्रदर, एक्टर एक्ट्रेस या एक्ट्रेस का एक्टर, मेड सर्वेंट मैन सर्वेंट, शी बेयर ही बेयर, गवर्नर गवर्नेस गवर्नेस, सन मून बेटा बेटे वाला सन है, सन डॉटर, ब्राइड ग्रूम ब्राइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राइड ग्रूम इज दूल्हा, ब्राइड इज दुल्हन, काउंट काउंटेस काउंटेस, विडो विडोवर, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर, कॉक हेन डॉग बिच, ही गोट शी गोट, हॉर्सेस मेयर्स मेयर्स. नेक्स्ट इज जेंडर सॉर्ट करना है, तो कितने करे थे हमने, चार जेंडर्स, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर एंड कॉमन जेंडर. मैन किसमें आएगा, मैस्कुलिन, आर्टिस्ट कॉमन जेंडर, वुमन फेमिनिन. अब फेमिनिन में एफ ई लिखना है. अब ट्री किसमें आएगा, न्यूटर में, क्योंकि वो ना तो मेल है ना फीमेल है बट वो लिविंग थिंग है इसलिए वो न्यूटर में आएगा. गर्ल फेमिनिन, बॉक्स न्यूटर, न्यूटर की स्पेलिंग देख लो भैया गलत लिखे हुए, एन ई यू टी ई आर. ऑथर कॉमन, वैसे आपकी बुक में कॉमन बट अगर हम देखें ऑथर का ऑथरेस होता है तो जनरली वर्ड ऑथर यूज़ किया जाता है ना, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस, तो ऑथरेस तो यूज़ नहीं करते हम, तो कॉमन में भी डाल सकते हैं बट आई थिंक मेल में डालें तो वो भी ठीक होना चाहिए. सिस्टर बट आपकी बुक में ना जो कॉमन जेंडर में दिया हुआ है इसको, जैसे हंटर ऑथर, ये वाले दो वर्ड्स मुझे जो ट्रिकी लगे थे ना, एक है हंटर उसका हम करते हैं हंट्रेस पर हम हंट्रेस बहुत कम यूज़ करते हैं अगर हम जनरली बात करें तो, दूसरा ये वाले दो वर्ड्स हैं हंटर और ऑथर जो कॉमन कैटेगरी में डाले हुए हैं आपकी ग्रामर बुक में. नेक्स्ट सिस्टर फीमेल, बुक न्यूटर, सिल्वर न्यूटर, मदर फेमिनिन फेमिनिन, फादर मैस्कुलिन, बेबी कॉमन, स्पेक्टिकल्स न्यूटर न्यूटर, वाइफ फीमेल फेमिनिन, हस्बैंड मैस्कुलिन मैस्कुलिन, टीचर कॉमन कॉमन जेंडर, आयन न्यूटर न्यूटर, बस न्यूटर, पर्सन कॉमन कॉमन जेंडर, किंग मैस्कुलिन, पेरेंट के जी ड्यूक इज मैस्कुलिन मैस्कुलिन, सिंगर कॉमन, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, वुड न्यूटर, मिस्ट्रेस फेमिनिन फेमिनिन, हंटर मैस्कुलिन मैस्कुलिन बट आपकी बुक में कॉमन में दिया हुआ है, आई थिंक दोनों ठीक होना चाहिए. काओ फेमिनिन पेन न्यूटर न्यूटर नॉन लिविंग थिंग है, नन फेमिनिन फेमिनिन, डांसर कॉमन कॉमन, स्टूवर्ड मेल मैस्कुलिन, ड्राइवर कॉमन कॉमन, कैन बी मेल और फीमेल, नीग्रो मैस्कुलिन मैस्कुलिन, चाइल्ड कॉमन कैन बी मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड, ट्रे ट्रे न्यूटर न्यूटर, बर्ड कॉपर कॉमन, स्टील न्यूटर, विक्सन फेमिनिन फेमिनिन, सन Basculin. Moon. Feminine. Feminine. Very good. Are we done with nouns? Yes. Selective nouns. A dash of flowers. Bouquet. A dash of sheep. Horse.